बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं शलजम चिकन, जो कि बहुत मट्टी की हांडी में बना रहे हैं, जो कि बहुत मज़े का बनता है। प्याज मैंने कटिंग की है और थोड़ा सा ऑयल डाला है। थोड़े से ये लाइट ब्राउन होंगे, इसके बाद जो है मैं फिर इसमें चिकन ऐड करूँगी, फिर वो थोड़ा सा भुनाएगा, फिर आपको साथ साथ डिटेल देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गए हैं, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन होना स्टार्ट हो गया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसमें हम डालते हैं चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन ज़रा सा अपना कलर चेंज करेगा, थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, कलर चेंज करेगा तो बाकी हम इसके अंदर मसाले फिर ऐड करते हैं। ये चिकन कलर चेंज कर लिया चिकन ने अपना। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा फिर। अब फिर इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी अच्छे तरीके से। मैंने ना नमक जो है लहसुन में डाल के रखा होता है पेस्ट बना के, तो इस वजह से मैंने नमक ऐड नहीं किया इसके अंदर। तुमने अपना कलर चेंज कर लिया। ये अब घी और प्याज है, चिकन मैंने निकाल दिया क्योंकि ये हांडी छोटी थी। अब मैं ये शलजम इसमें फ्राई करूँगी सिंपल घी में। ये अब इसके अंदर थोड़े से फ्राई होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये शलजम मैंने डाल दिया हांडी में, तो थोड़े से ये हो जाएंगे, इनको स्टीम से ज़रा होगा, फिर हम इसको नेक्स्ट अगला प्रोसीजर दोबारा करते हैं। अभी थोड़ा सा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको बस थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लगता है। ये माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया, तो बस अब ये गलने के प्रोसेस में है। थोड़ा सा ये और होते हैं, फिर हम मसाले शामिल करते हैं इसमें। चलो ठीक है, देखो। ये थोड़े से शलजम जो है हो गए थे, अब हमने इसमें चिकन डाल दिया। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, वन टेबल स्पून टी स्पून कह लें, वन एंड हाफ टी स्पून हल्दी, टर्मरिक। मैं अपने हांडियों में जो है ना हल्दी का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। ये थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च, ये है जी सूखा धनिया, वन एंड हाफ टी स्पून। वन टीस्पून जीरा, थोड़ा सॉफ्ट डाल देती हूँ, जीरे का टेस्ट भी मुझे अच्छा लगता है। अब इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे मसालों को इसके साथ, और फिर हम अभी इसमें ऐड करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था मैंने, अभी इसमें ऐड करेंगे। अब ये हल्की हल्की आंच पे, बिल्कुल आपने इसको ना तेज़ आंच नहीं करनी, क्योंकि मिट्टी की हांडी में फिर अगर गर्म हो जाए ना एक दफ़ा, तो फिर गर्म ही रहती है ये, इसकी ये कह लें क्वालिटी है मिट्टी की हांडी में। फ़ायदा भी होता है खाना बनाने का, और अभी गर्म है बहुत, मतलब हो गई है। अभी ये इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे हमने इसको ढक के रख देना है। तकरीबन कह लें कि ये 15 से 20 मिनट पकती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम ये देखते हैं इसका, बस थोड़ा सा इसमें टाइम है, 10 से 15 मिनट
जैसे ये शलजम थोड़े से हमारे वैसे गल तो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इसमें और ज़रा हाँ सॉफ्टनेस आ जाए इसकी। तो ये देखें, बाज़ लोग जो हैं शलजम को ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन जो मैं हूँ मुझे शलजम बिल्कुल मैश मैश पसंद है। तो इसको बिल्कुल अभी मैं दम पे और रखूँगी मज़ीद 10 से 15 मिनट, जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे इसको मैश करके फिर फाइनल लुक की तरफ हम जाएंगे। ये देखें हमारी माशाल्लाह हांडी के ऊपर घी आ गया हुआ प्रॉपर, इससे पता लगता है कि जी कि हमारी जो हांडी है ये तैयार है। बस अब हम इस पर थोड़ा सा धनिया गार्निश करेंगे और उसके बाद बस वैसे भी धनिया इसके ऊपर डाल रही। माशाल्लाह हमारी हांडी तैयार है। ये है जी आज की हमारी फाइनल लुक, ये देखिए शलजम बहुत मज़े के तैयार हो गए। इसको लोग अगर इसके अंदर मटन डाला हो तो लोग उसको शब्द देख कर नाम भी बोलते हैं। ये देखिए ये हमारी फाइनल लुक, ये थी जी आज की हमारी रेसिपी। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।